विपक्ष आपके समक्ष और विपक्ष आपके समक्ष 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए तो बड़े कद्दावर नेता और साथ ही साथ जो है आप सभी को जानकारी दे दें कि साथ ही साथ जो है बड़े कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंच सकते हैं। जानकारी ये मिल पा रही है कि विपक्ष आपके समक्ष में जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ आप सभी को जानकारी दे दें कि तमाम जो है कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पहुंचने की बात है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी यहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहेगा। आप सभी को जानकारी दे दें कि जानकारी ये मिल पा रही है कि जो है हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जी हां, उदय भान भी यहां पर जरूर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फूलों की तरह जो है ये सजाया गया है, चाक चौबंद तरीके से यहां पर पुलिस के इल्जाम भी हरियाणा पुलिस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल जो है इस समय कांग्रेस बताया जा रहा है, जिसके बाद 2024 का चुनाव जो है काफी अच्छा देखने को मिलेगा। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे थे, शेयर जरूर कीजिएगा। धीरे धीरे जो है नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए या नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए या फिर नेता पक्ष की बात की जाए, तो तमाम जो लोग हैं यहां पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। खैर, शुरुआत हो चुकी है विपक्ष आपके समक्ष और विपक्ष आपके समक्ष 2 अप्रैल को, यानी कि आज के दिन नई अनाज मंडी में होने जा रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात की जाए या फिर कांग्रेस के तमाम विपक्षी नेताओं की बात की जाए, तो कांग्रेस के जो है तमाम नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। जानकारी ये मिल पा रही है कि जो भी यहां पर पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आती हुई रणनीतियों से बातचीत करता हुआ मिलेगा। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहेगा। आप सभी को जानकारी दे रहे हैं कि तमाम जो बड़े बड़े विपक्षी दल हैं, कांग्रेस में उसका नाम आता और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर एक बड़ा मामला सामने आ रहा था, जिसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो रही थी, उसके बाद भी जो विपक्ष है उसके अंदर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है रोष देखा गया था, जिसके बाद संसद में जो है काले पट्टे बांध के भी और संसद की कार्यवाही स्थगित करने का भी काम विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था। लेकिन आज हरियाणा के यमुनानगर में, जी हां, शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल गुज्जर के गढ़ में जो है आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और साथ ही साथ अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के आने का मौजूद है। हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहेगा। काफी ज्यादा संख्या में यहां पर चेयर्स भी बिछ चुकी है और जानकारी ये मिल पा रही है कि कितने लोग आखिर यहां पर होंगे, एकत्रित होंगे। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी तैयारियां हैं आज हुड्डा साहब यहां पर आ रहे हैं, 2024 के चुनाव किस तरीके से देखे जा रहे हैं? चुनाव तो बाद की बात है, आज तो जो सरकार है जी वो लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी करने में विफल रही जी। आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है, विकास कहीं किसी का हो नहीं रहा, किसान को भाव नहीं मिल रहा, तो ऐसे में जो लोग उम्मीद है वो विपक्ष को ही रखते हैं। इसी कड़ी में साहब आ रहे हैं ताकि सरकार को मजबूत किया जाए कि वो लोगों में मूल। अशोक जी, क्या मानते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर दी है मोदी साहब ने? कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लोकतंत्र का मायना भूल गए, प्रजातंत्र का मायना भूल गए, संविधान को एक तरफ रख के ये लोग काम कर रहे हैं। और दाना साहब का जीवन तो कहना बहुत बुरा उत्साह का भी कयास ये लगाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के यमुनानगर से चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या कांग्रेस का प्रत्याशी ऐसा होगा जो उन्हें हराने का काम करेगा? सारा मंत्रिमंडल कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं, करनाल में क्या होगा जी, करनाल में क्यों लड़ते, वहाँ कुछ करा होता तो करनाल में लड़ते, ये कहीं से लड़ने लोग इनको। शिक्षा मंत्री के गढ़ में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री का गढ़ नहीं है जी, ये उनका दाव लगा हुआ है, दाव लगाने वाले को आप गढ़ नहीं। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ अशोक, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल गुज्जर के गढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर विपक्ष आपके समक्ष होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम कांग्रेस के कद्दावर नेता दूर दूर से पहुंचते नजर आ रहे हैं। सेवा दल की बात की जाए या फिर कांग्रेस के किसी स्वरूप की बात की जाए तो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा भीड़ जो है धीरे धीरे जुटनी शुरू हो चुकी है, विपक्ष ने अपना जो है पाला बिल्कुल सही कर लिया है। और जानकारी ये मिल पा रही है कि क्या कुछ होगा मायने, कितने लोग यहाँ पर
पर जुड़ पाएंगे। संख्या चेयर्स की काफी ज्यादा है। तमाम कद्दावर नेताओं की बात की जाए, अभिनेत्रियों की बात की जाए या नेत्रियों की बात की जाए, तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जुड़ने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि 2024 के चुनाव में, जी हाँ 2024 के चुनाव में क्या कुछ होना है, क्योंकि कांग्रेस को सबसे बड़ा विपक्षी दल माना जा रहा है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात की जाए या फिर नेताओं की बात की जाए तो पोस्टर लगते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ लोगों का जमावड़ा, जी हाँ लोगों का जमावड़ा भी होता हुआ नजर आ रहा है। बिशन लाल सैनी की बात की जाए, बिशन लाल सैनी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, रादौर से विधायक हैं और तमाम आसपास के लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ ही लम्हों में यहाँ पर होंगे और कुछ ही लम्हों में आने के बाद वो यहाँ पर जो है लोगों को, जनता को जो है अपना उद्देश्य देंगे। मेरे सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा था, जेष्ठ रुपये जी का आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के। लेकिन एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि कुमारी शैलजा की फोटो कहीं नहीं नजर आ रही है। क्या कुछ बात है या फिर गुटबाजी देखने को मिल रही है? लेकिन किसी प्रकार की गुटबाजी से नेता तो मना करते हैं, लेकिन क्या कुछ उनका कहना है? मेरे सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। तो अब आपको और भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब मुस्तैम को दे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।